स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा टेक वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IRCTC सुपर तत्काल एक एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रैवल करते हैं और दोस्तों अगर आप टिकट बुक करते हैं और फिर दोस्तों सबसे अच्छी बात अगर आप तत्काल टिकट बुक करने की भी सोचते हैं तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे अच्छी एक एप्लीकेशन है सुपर तत्काल टिकट प्रो। जी हाँ दोस्तों, सुपर बुक तत्काल प्रो करके एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपको टिकट बुक करना है। दोस्तों मैं पूरा चांस तो 100% नहीं दूंगा कि इससे टिकट बुक हो जाएगा, बट 90% चांस है दोस्तों टिकट बुक हो जाएगा। दोस्तों टिकट बुक करने के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर ये अच्छा से प्रॉपरली वर्क करेगा तो दोस्तों आपके पास सबसे बेस्ट पेमेंट ऑप्शन भी रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों आप कभी भी अगर तत्काल टिकट बुक करते हैं तो UPI या फिर IRCTC ई वैलेट के थ्रू ही पेमेंट कीजिए। दोस्तों इसका क्या मतलब है, IRCTC ई वैलेट से अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्यों जल्दी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसका रीजन है दोस्तों, अगर हम कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो दोस्तों हमें उनके सर्वर से पहले कनेक्ट होना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों वन टाइम पासवर्ड डाटा फिर फिल करना पड़ता है। अगर दोस्तों आप UPI या फिर IRCTC ई वैलेट से पेमेंट करते हैं तो दोस्तों IRCTC का ही ई वैलेट है, उसमें कोई सर्वर से आपको कनेक्ट नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट ई वन टाइम पासवर्ड आएगा और दोस्तों जैसे वो फिल करेंगे वो दोस्तों ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं और इसमें दोस्तों फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं आज इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताना। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सिंपली दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, जैसे हम गए आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको टाइप करना है सुपर तत्काल प्रो, ये देख सकते हैं दोस्तों आ गया है, हमने दोस्तों डाउनलोड करके रखा हुआ है, डायरेक्ट हमको ओपन करना रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करना है। सिंपली दोस्तों हम ओपन करते हैं इसको, उसका होम पेज दोस्तों कुछ इस तरह आएगा। हमारे पास दोस्तों कॉइन बैलेंस 10 रुपीज़ है। फर्स्ट टाइम दोस्तों जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास 0 कॉइन रहेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको 5 कॉइन मतलब कि 5 कॉइन आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाके इस एप्लीकेशन की रेटिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद दोस्तों आपको 5 कॉइन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद सबसे पहले सिंपली हम दोस्तों सबसे पहले आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाते हैं। तो हम न्यू फॉर्म पे सिंपली जाएंगे, दोस्तों हम यहाँ पे गए, उसके बाद दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे जो आपको पढ़ लेना है, वो कुछ मतलब बताते हैं ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले अगर आप IRCTC एप्लीकेशन जो IRCTC रेल कनेक्ट का ऐप है अगर उससे आप टिकट बुक करते हैं तत्काल में तो फिर आपको पिन डालना रहेगा, जो 4 अंक का पिन दोस्तों हम उस पर सेट करते हैं। मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा आप कभी भी अगर तत्काल बुक करें तो दोस्तों IRCTC वाले वेबसाइट के ऑप्शन पे टैप करके ही बुक करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये फास्ट वर्क करता है। रीज़न है कि एप्लीकेशन दोस्तों कभी कभी अपडेट होता है और वेबसाइट दोस्तों डेली बेस पे अपडेट होते रहता है, तो फास्ट वर्क दोस्तों वेबसाइट ही करता है। तो दोस्तों वेबसाइट पे सिंपली हम आ जाएंगे, प्रोसेस दोस्तों सारे सेम ही रहेंगे एप्लीकेशन के भी और वेबसाइट के भी, बस ऊपर का जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वही दोस्तों चेंज रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो सिंपली दोस्तों अगर आप रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से करते हैं तो आपको पिन डालना रहेगा, अगर आप वेबसाइट से करते हैं आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ आपको यूज़र आईडी सिलेक्ट करना है, तो दोस्तों मैं आपको अपना यूज़र आईडी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे तो यहाँ हमको जर्नी डिटेल्स फिल करना रहेगा, जर्नी डिटेल्स में दोस्तों फ्रॉम मतलब कहाँ से टू मतलब कहाँ तक आप जाना चाहते हो, तो फिलहाल में दोस्तों मैं सूरत से वाराणसी के लिए कर दे रहा हूँ, ये मैंने कर लिया। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ जर्नी डालना रहेगा, मतलब कितने तारीख को जाना चाहते हो, तो सिंपली दोस्तों मैं 13 तारीख सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ट्रेन नंबर दोस्तों आपको पहले से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्च लिस्ट पे ऑप्शन नहीं आता है, तो ट्रेन नंबर दोस्तों आपको वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर जाकर देख लेना है कि गाड़ी नंबर कौन सा है, जैसे मुझे याद है दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ 0 नंबर 45। उसके बाद दोस्तों क्वार्टर तत्काल रहन देना है, अगर आप तत्काल के अलावा जनरल PDM तत्काल इतने सारे कोटे दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कौन से क्लासेस में चाहिए, स्लीपर चाहिए तो स्लीपर, थर्ड AC चाहिए तो थर्ड AC, जिसमें चाहिए CC चेयर कार में चाहिए तो चेयर कार, सेकेंड AC में चाहिए तो सेकेंड सीटी में भी है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे पैसेंजर डिटेल्स में, यहाँ दोस्तों आपको नाम फिल करना है, मैंने कृष्णा मौर्य डाल दिया, एज आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों मेल या फीमेल सिलेक्ट करना है, बर्थ दोस्तों अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से दोस्तों आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हमको और एक नाम ऐड करना है तो सिंपली हम
प्लस के निशान पर टैप करेंगे। यहाँ हमने टैप कर दिया, एक नाम और आ गया। तो यहाँ भी दोस्तों हम एक नाम और कुछ भी ले लेते हैं। एज हम डाल दे रहे हैं, मेल फीमेल डाल दे रहे हैं, उसके बाद बर्थ सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इस तरह दोस्तों अगर आप किसी और का भी नाम ऐड करना चाहते हैं बस प्लस पे टैप कर देंगे, हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों और नीचे हम जाएंगे तो यहाँ दोस्तों हमको चाइल्ड की डिटेल्स फिल करने, अगर आपके साथ 5 साल से कम उम्र के बच्चे जाते हैं तो वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। जैसा दोस्तों हम IRCTC एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे बुक करते हैं टिकट, सेम उसी का प्रोसेस यहाँ दिया गया है। ये दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटो फिल मतलब तत्काल बुक करते समय काफ़ी हेल्प रहता है, इसलिए दोस्तों पहले को आपको पहले से ये सब पूरा करके रखना है। एक चीज़ आपको दोस्तों ध्यान देना है, कभी भी जब आप तत्काल बुक करें तो बुक ओनली कंफर्म बटन पर जरूर टैप करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर सीटें नहीं अवेलेबल होती तो आपका टिकट नहीं बुक होगा और पैसा आपका नहीं कटेगा। और दूसरी बात दोस्तों एक इसमें और भी ऑप्शन रहता है, ये कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का। इसका क्या होता है दोस्तों, अगर आप स्लीपर में बुक कर रहे हैं, स्लीपर में अगर टिकट आपको मतलब वेटिंग लिस्ट मिला है, अगर स्लीपर में नहीं कंफर्म होता तो आपको थर्ड एसी में कंफर्म कर दिया जाएगा, ऐसा ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोच आईडी डालना हो कुछ तो कोच आईडी भी यहाँ दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कोच आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको एड्रेस यहाँ फिल करना रहेगा, मैं फिल कर दे रहा हूँ। पिन कोड दोस्तों डालना रहेगा, मैं पिन कोड डाल दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सूचना है ऑटो फुल सिक्योरिटी क्वेश्चन पे, इस पर दोस्तों आपको टैप करना है और इस पर दोस्तों जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा हो दोस्तों आपको फिल करना है। यहाँ दोस्तों आपको ईमेल आईडी डालना है, यहाँ दोस्तों डेट ऑफ बर्थडे डालना है, यहाँ आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ IRCTC वैलिड रजिस्टर है या नहीं डालना है, ये सब दोस्तों आपको फिल यहाँ पे करना है। ये दोस्तों क्यों किया जाता है, जब हम तत्काल बुक करते हैं तो कभी कभी कैप्चा ना आकर सिक्योरिटी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। दोस्तों ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे तो डाल के दोस्तों सिंपली आप सेव पे कर लेंगे फटाफट। के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ आपको पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट आप किससे करना चाहते हैं। पहले यहाँ पे मिलेगा पेमेंट थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड और नीचे दोस्तों आएगा पे थ्रू भीम UPI। काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं IRCTC भीम UPI मल्टीपल पेमेंट डेबिट कार्ड विथ पिन नेट बैंकिंग भारत वैलेट ऐसे काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फिलहाल में दोस्तों मैं आपको टिकट बुक करके नहीं दिखाऊंगा, इस प्रोसेस तक दोस्तों मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। फिलहाल में दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन IRCTC वैलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं पासपोर्ट फिल कर दे रहा हूँ, हमने पासपोर्ट डाल दिया हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। अब दोस्तों हमको कुछ भी करना नहीं है, सिंपली दोस्तों हमको सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम सेव करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम जैसे बाहर आएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं ये हमारा एक यहाँ पे फॉर्म रेडी हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ से इसको एडिट भी कुछ कर सकते हैं इस पर टैप करके दोस्तों, और डायरेक्ट दोस्तों अगर यहाँ से डिलीट करना हुआ तो यहाँ से दोस्तों आप इस पर टैप करके डिलीट के ऑप्शन पे टैप करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल में दोस्तों मैं आपको प्रोसेस पूरा दिखाता हूँ, मैं दोस्तों टिकट बुक नहीं करूँगा, बस आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ बुक नाउ पे टैप कर देना है, तो हमने बुक नाउ पे टैप कर दिया, देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक हमें उस वेबसाइट पे ले जाएंगे। ये यहाँ पे दोस्तों आपको कैप्चा डाल देना है, साइन अप कर देना है और सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा, हमको कुछ भी नहीं करना रहेगा। एंग्री कर देंगे, बुक नाउ कर देंगे दोस्तों, देख सकते हैं नाम वाम ऑटोमेटिक सब ले लेगा। ये दोस्तों हो गया। लास्ट टाइम दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना रहेगा, कंटिन्यू यस। ध्यान देना दोस्तों कैप्चा आपको सही फिल करना है, जल्दी में आप गलती ना करें वरना आपके हाथ से तत्काल जा सकती है। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं OTP आ चुका है, तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे OTP डालेंगे ये पेमेंट हमारा कट जाएगा, बट हम दोस्तों टिकट बुक नहीं कर रहे हैं, आपको सिंपली दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह आप मोबाइल के फॉर्म क्रिएट करके इस तरह आप टिकट बुक कर सकते हैं।